समझिए जरा, पिछली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली और इस बार बीजेपी 8 पर जाती हुई दिख रही है, यानी बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत है यहाँ की जनता उनके साथ जुड़ रही है। कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस को आप देखेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए बड़ी गिरावट सीटों के लिहाज से और वोट शेयर में भी ये तब्दील होगा। अब 26 सीटें जो है वो एनपीपी को मिलती हुई दिख रही है, जिसके साथ संभवतः बीजेपी के गठबंधन बाद में हो सकता है, उम्मीद जताई जा रही है। और टीएमसी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी, जिसको यहाँ पर 9 सीटें